कैसे आप सभी लोग, मैं लेकर आया हूँ कुछ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, वैसे सिर्फ दो ही हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ दो मोबाइल लॉन्चिंग के बारे में जो कि बिल्कुल जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम श्याम चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो पहले दोस्तों, यहाँ पर निकल कर आ रहा है वीवो की तरफ से, वीवो का Y51 लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में। इसकी लॉन्चिंग डेट अभी तक फिक्स नहीं है और जो कि हालांकि अभी पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा सुनने में अजीब है क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता भाई, पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता तो यहाँ पर लॉन्चिंग के लिए इतनी देरी क्यों कर रहे हैं वीवो वाले, इसमें कोई भी पता नहीं है। इसमें होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 जी हाँ दोस्तों, इसमें होगा। बाकी सभी चीज़ें अभी तक रिवील नहीं की गई है कंपनी की तरफ से, हम देखेंगे जब ये लॉन्च होगा, इसकी जो लॉन्चिंग डेट आएगी तब तक शायद कंपनी वाले इस बारे में हमें थोड़ा सा सूचित कर दें। और तो कुछ ना। तो दोस्तों, वीवो ने अभी तक अपना कोई भी फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन वो कर रहे हैं दुनिया का पहला रोलिंग स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ़ोन होगा ये ऐसे फोल्ड नहीं होगा क्योंकि ये फोल्डिंग स्मार्टफोन नहीं है, ये होगा रोल। ये एक फ़ोन में से कुछ इस तरह से फ़ोन निकलेगा क्योंकि इसकी वजह से हमें ऐसे डबल करके दो फ़ोन नहीं रखने पड़ेंगे, एक ही फ़ोन में हमारा दोनों काम हो जाएगा क्योंकि ये फोल्डिंग फ़ोन की तरह भी काम करेगा। इसे हम अनरोल कर बड़ा कर सकते हैं। वीवो वालों ओप्पो वालों ने पूरी दुनिया का सबसे पहला रोलिंग स्मार्टफोन लॉन्च किया है। दोस्तों, इसकी जो डिस्प्ले होगी वो होगी 6.5 इंच की, इसे हम अनरोल करके कर सकते हैं 7.3 इंच की। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें भी रिवील नहीं हुई है, हालांकि ये जो ये है ओप्पो एक्स, क्योंकि एक्स सीरीज में ओप्पो हमेशा कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता है। ये होगा 2021 में लॉन्च, और जैसे कि पॉपअप कैमरा आता था सेल्फी के लिए, उसी तरीके से इसमें एक मशीन लगाई गई है जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन कुछ इस तरह से खुल जाए। और इसमें आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको दोनों तरफ मोबाइल में कर्व डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ जब आप इसे अनरोल करोगे तब आप चाहें तो इसे जिस वक्त चाहे उस वक्त इसे बीच में रोक सकते हैं, यानी कि आपको जितना बड़ा मोबाइल करना है आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरा अनरोल करना पड़ेगा या पूरा इसे अनफोल्ड करना पड़ेगा, जितनी आपकी मर्जी होगी आप उस तरीके से इसे यूज़ ले सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी भी ओप्पो के X2021 वाले मोबाइल में आपको देखने को मिलेगी। तो बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए Once again.